नमस्कार दोस्तों, रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में आप जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाश्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, खास तौर पर अगर महिला प्रेग्नेंट हो तब उनको नाश्ते पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ सुबह का नाश्ता काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका नाश्ता स्वस्थ होता है तो इससे आप और बच्चा दोनों स्वस्थ रहता है। इसलिए आइए जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान सुबह में क्या खाना चाहिए। पहली चीज़, प्रोटीन। आपको भोजन में रोज़ाना सुबह के समय में प्रोटीन युक्त आहार जैसे अंडे, पनीर, ग्रीक योगर्ट, पीनट बटर, इन सारी चीज़ों का सेवन जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज़, आयरन। आपको बता दूँ, अपने बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन युक्त आहार का सेवन जरूर करना चाहिए, जैसे दलिया, पालक, सूखे मेवे, इन सारी चीज़ों में आयरन भरपूर मात्रा में होती है। तीसरी चीज़, फल और सब्जियाँ। आपको बता दूँ, फल और सब्जियों में विटामिन्स के अलावा खनिज और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगर आप इसे नाश्ते में शामिल करती है तो इससे आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहती है और आपके गर्भ में पलने वाला शिशु भी होता है वो पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। चौथी चीज़, कैल्शियम युक्त आहार। आपको बता दूँ, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है तो इससे आपके बच्चे का हड्डियों काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप होता है। इसके अलावा आपके हड्डियों में मजबूती आती है, इसलिए आप कैल्शियम युक्त आहार जैसे दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ों का सेवन सुबह के नाश्ते में जरूर करें। पाँचवीं चीज़, खजूर। आपको बता दूँ, प्रेगनेंसी के दौरान ठोस नाश्ता करने के लिए आप खजूर का सेवन जरूर करें। अगर आप रोज़ाना खजूर का सेवन करती है तो यह आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ और सुरक्षित होता है। इसके अलावा आप बनाना शेक का भी जरूर सेवन करें। अगर गर्भवती महिला सुबह के नाश्ते में बनाना शेक को शामिल करती है तो इससे वो बिल्कुल स्वस्थ रहती है और उनका गर्भ में पलने वाला शिशु भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो इसलिए आप खजूर और बनाना शेक खासकर प्रेगनेंसी के दौरान सुबह के नाश्ते में जरूर लें। अगर आप ये पांच चीज़ों का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान सुबह के नाश्ते में करती है तो इससे आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहती है और आपके गर्भ में पलने वाले शिशु को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। तो यही सब थी हमारी आज के इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं।